अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो इसमें कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं आज हमने डिस्कस करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो डिस्कस करते हैं अबाउट बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मॉलिकुलर मास? जस्ट एज द एटम ऑफ एलिमेंट्स हैव डेफिनेट मास। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एटम का एक डेफिनेट मास होता है, हर एटम एलिमेंट के एटम का, ठीक है। सो डू मॉलिक्यूल्स अ मास इक्वल टू डैट ऑफ कम्बाइंड एटम द मॉलिक्यूल? और एक मॉलिक्यूल का मास वही होता है जो एलिमेंट्स के एटम्स जो है वह कंबाइन करते हैं तो उसी के इक्वल मास हो जाता है। द फिगर्स फॉर द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इस्टेब्लिश। इसी तरह सारे एटॉमिक मास जो होते हैं एलिमेंट्स के इस्टेब्लिश होते हैं कि हर एटम का अलग अलग मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको कंबाइन करने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसी को कंबाइन सम अप करके हमारा मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। कैन बी फाउंड ऑन द पीरियोडिक टेबल। देयरफॉर व्हेन वी वन नोज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन ऑक्सीजन एटम एज वेल एज द फैक्ट दैट दे आर टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स होते हैं और उसके एक होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो इसी तरह इसका हम कैलकुलेट भी करते हैं वाटर का मॉलिक्यूल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से हम उसको काउंट कर सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे कितने एटम यूज़ हुए हैं, कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, तो किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नॉट दैट द मास ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज। अब हमारे मॉलिक्यूल्स, जब हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो जो मास होता है एटम का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। नॉर इंडीड डू द आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स, यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी जो है वो चेंज नहीं होती। एन ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज द सेम ऑक्सीजन एटम इन शुगर। जैसे कि हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन का एटम होता है, उसी तरह हमारे शुगर में भी होता है, यानी नंबर ऑफ अदर कंपाउंड। जिस तरह का हमारे वाटर में ऑक्सीजन का एटम रहता है उसी तरह शुगर में रहता है, इस तरह दूसरे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में रहता है, ठीक है, अगर हम उन्हें यूज करें तो। विद रिगार्ड द कंपाउंड्स इट शुड बी नोटेड दैट दे आर नॉट द सेम थिंग एज वेल एज मिक्सचर और सॉल्यूशन। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी तरह जैसे हमारे मॉलिक एटम्स होते हैं उनकी कम्बिनेशन के बाद भी उनका जो अपना ओरिजिनल फॉर्मेशन होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। शुगर एंड साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर बट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नॉट अ कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर और साल्ट जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसको हम रिजल्टिंग जो है ना कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हम शुगर को और पानी साल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे कंपाउंड नहीं बन जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस आर जॉइंट फिजिकली बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ये सब्सटेंस जो होते हैं ये फिजिकली तो ज्वाइन होते हैं लेकिन केमिकली नहीं ज्वाइन होते, ठीक है, इसीलिए ये इससे कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता, बस एज अ हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इज़ द ज्वाइनिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एटम एलिमेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के दरमियान होती है और ये बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ईच एटम पोजेसेस अ सर्टेन वैलेंसी व्हिच डिटरमिन्स इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ईच एटम पोजेसेस, जैसे कि हर एटम की वैलेंसी की अलग कैपेसिटी होती है कि अगर वैलेंसी में कितने एटम्स हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, तो उसी की एबिलिटी से हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। अगर हमारे एक एलिमेंट है, एक एटम है, उसके वैलेंस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब है कि उसको सिर्फ एक एलिमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, और इस तरह थोड़ी वीक सी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग होगी। और यही अगर हम कह दें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं तो ज़ाहिर है इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो डिवेलप हो जाएगी। ईच वैलेंसी इन टर्न इज गवर्न बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल द शेल ऑफ एन एटम। इसी तरह मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी तरह बॉन्डिंग डिपेंड करेगी उस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी पर, उस एटम की वैलेंसी पर, ठीक है। मतलब जितने वैलेंस, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे उसी के हिसाब से हमारी बॉन्डिंग होगी, वो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, ठीक है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? नॉट ऑल एलिमेंट्स बॉन्ड कवलेंटली इन द सेम वे। सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे कवलेंटली बॉन्ड नहीं करते हैं। ईच हैज़ अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हर किसी की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी अलग से एबिलिटी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। एलिमेंट्स कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग आर असाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 0.74 सीजियम टू अ मैक्सिमम ऑफ 4.4 फ्लोरीन। मतलब वो बता रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह करके डिपेंड करती है कि मिनिमम सीजियम की और सबसे मैक्सिमम जो होती है फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट वैलेंस। जिस एलिमेंट की जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके या फिर उसके साथ बॉन्डिंग बना सके। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं अट्रैक्शंस क्या होती हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल अपार्ट अट्रैक्शन, एनर्जी जो होती है वो एक रिक्वायर्ड होती है टू पुल अपार्ट मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। एक एनर्जी को या किसी एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मॉलिक्यूल के किसी हिस्से को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं। कवलेंट बॉन्ड डेट इन्वॉल्व हाइड्रोजन आर अमंग द वीकेस्ट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। कवलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है सबसे वीकेस्ट एलिमेंट बॉन्डिंग होती है बिटवीन एलिमेंट्स एंड हेंस इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू सेपरेट वाटर इंटू इट्स कॉन्स्टेंट पार्ट। इसी वजह से हम वाटर को जो है वो ईजिली वेपोरेट कर देते हैं या फिर उसको हम गैस फॉर्म में ईजिली ले आते हैं क्योंकि उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है। इट इज़ समटाइम्स डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं इसको। डबल एंड ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बनिस्बत सिंगल कवलेंट बॉन्ड के, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक बॉन्ड से। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इन सॉल्ट ऑफ फॉर इंस्टेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड मच देयर हायर देन ऑफ वाटर। इसी तरह इसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये सबसे द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इन सॉल्ट फॉर इंस्टेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट 1472 फ़ारेनहाइट मतलब 1800 सेल्सियस एंड मच हायर देन डेट ऑफ वाटर एट 32 फ़ारेनहाइट। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड करती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है और उसकी जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग या फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका मतलब इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो हमारा साल्ट है उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होती है वाटर से। ठीक है, साल्ट क्योंकि वो ग्रेन्स की फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में होता है, तो जाहिर है हार्ड फॉर्म तभी होती है जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो वाटर से उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 सेल्सियस होता है और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 सेल्सियस। तो 800 और 0 सेल्सियस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हमें बॉन्डिंग का पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। जो हार्ड फॉर्म्स होती हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उससे उसकी कम होती है, गैस फॉर्म में उनकी उनसे भी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, कि इसी तरह से इनकी बॉन्डिंग का क्या अट्रैक्शन का जो है पता चल जाता है, उनमें कितनी एनर्जी है वो पता चलती है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।